नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2022 की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको ईश्वर स्वस्थ रखे और 2022 आप सबके लिए बहुत बहुत प्रॉस्परस हो। तो आज का जो वीडियो है ये GST को लेकर के है और हम आज की जो चर्चा करेंगे वो इन तीन चीज़ों के ऊपर करेंगे। बेसिकली चर्चा हमें इसी पॉइंट पर करनी है कि GST के ऊपर क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, ITC मैकेनिज्म को लेकर के हम चर्चा करेंगे, मगर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। टेक्सटाइल्स पर 5% का रेट फिर से रिवर्ट हो गया है, पहले इसको 12% कर दिया गया था मगर इसको वापस से रिपील कर दिया गया है, अभी यही रेट चलेगा। और भारत सरकार ने कहा है कि फरवरी में जो इनकी रेट कमेटी है वो वापस से डिसाइड करके बताएगी कि कैसे काम होगा। जो रेस्टोरेंट्स के लिए 1 जनवरी 2022 से जो नया मैकेनिज्म लागू है, चूंकि एक नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि स्विगी और जोमेटो और दूसरे भी जो एग्रीगेटर्स हैं जैसे ओला उबर हो गए, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या चेंज आया है और आई बटन के ऊपर मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा ज़रूर से। तो रेस्टोरेंट्स जो हैं आपके स्विगी और जोमेटो वो अब किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, वो लोग कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ये हम अपने अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे। ये वीडियो भी आपको आज शाम तक आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कि अब रेस्टोरेंट्स बेसिकली हम बात करेंगे रेस्टोरेंट्स के ऊपर कि हम रेस्टोरेंट्स को अब कैसे वहाँ पर टैक्सेशन होगी रेस्टोरेंट्स की, जो कि अपना भी सेल करते हैं और स्विगी और जोमेटो के थ्रू भी सेल करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 हमारा है ITC मैकेनिज्म इन 2022 और ये हमारा मेन पॉइंट है आज के डिस्कशन का। तो हम बात यहाँ पर शुरू करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत होने वाला है क्योंकि सरकार ने इसमें बहुत ही बड़े चेंजेस कर दिए हैं, इतने बड़े चेंजेस कर दिए हैं कि हम सबको सोच सोच के केवल एक सरदर्द ही हो रहा है कि अब ये कैसे फॉलो होगा। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं या आपको लगता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो ये वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इतना बड़ा सरदर्द GST के अंदर पैदा होने वाला है कि शायद ही इससे निजात मिल सके और एक छोटी सी गलती बहुत बड़े असर में दिखेगी। आप मान लीजिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, क्या चेंजेस हैं और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि उसको कैसे अमल किया जाएगा। हम लोग पहले GST 2A देखते थे। 2A वो ITC स्टेटमेंट था जिसमें कि करंट मंथ की सारी हमारी परचेज दिखती थी। फिर एक हमारे पास 2B स्टेटमेंट था जिसमें कि ITC दिखती थी, मगर कौन सी थी, ITC करंट मंथ की वो दिखती थी जो कि 11th या 13th तक जिन्होंने अपना IFF दाखिल कर दिया है। ये GSTR 1 था, ये GSTR 1 हुआ करता था और ये हमारा IFF था 11th और 13th। तो 2A और 2B जैसे दो स्टेटमेंट हमको दिखा करते थे, ये वाले थे कि अगर आपने करंट मंथ के बाद भी, 11th के बाद भी अगर आपने ITC स्टेटमेंट दाखिल किया है हमारे सप्लायर ने, तो यहाँ 2A में दिख जाता था, और अगर उसने सप्लायर ने हमारे 11th से पहले दाखिल कर दिया तो वो 2B में दिख जाता था। 2B जो हमारी थी वो थी एलिजिबल ITC, या सभी को पता है कि 2B हमारी एलिजिबल ITC थी और इसके अंदर वेरिएशन था 5% का। कहने का मतलब 100 रुपया अगर आपको 2B में दिख रहा है तो आप ITC जो है वो 105 रुपया ले सकते थे। अब भारत सरकार ने क्या किया है हम बहुत गौर से समझेंगे। तो अब तक आपको 2A और 2B दोनों दिखा करते थे, अब जो चेंज हो गया है 2022 से, 1 जनवरी 2022 से, वो ऐसा है कि अब आपको दिखेगा केवल 2B, अब आपको केवल GSTR 2B दिखेगा। और हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसा होने से भारत सरकार ने अब क्या किया है कि आपको केवल 100% ही ITC अपनी क्लेम करनी है, कौन सी वाली, जो आपको 2B में दिख जाए।
तो सरदर्द बहुत बड़ा ये है कि मान लीजिए किसी ने गलती से अपना जो GSTR 1 था उसको 12th को फाइल किया। अगर GSTR 1 अपना 12th को फाइल किया है सप्लायर ने, तो परचेजर को वो अपने GSTR 2B में नहीं दिखेगा। और कहने का मतलब यह है कि जो परचेजर है उसको फुल पेमेंट करना पड़ेगा चालान का, क्योंकि ITC नॉट अवेलेबल। ITC जब अवेलेबल ही नहीं है, 2B के अंदर ITC आपकी आई ही नहीं, क्योंकि वो 12th को फाइल हुआ, तो आपको सप्लायर को, जो परचेजर है सॉरी, उसको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा चालान के थ्रू, क्योंकि ITC उसको कोई भी एलिजिबल नहीं होगी, कोई भी अवेलेबल नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यापारी के यहाँ प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ किसी की किसी व्यापारी के चार्टर्ड के यहाँ या किसी की व्यापारी के वकील के यहाँ या अकाउंटेंट के यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फाइल नहीं कर पाया, मान लीजिए GSTR 1, तो ये तो बहुत ही ड्रकोनियन लॉ है। ये तो कानून जो है बहुत ही गलत बना दिया गया कि आपको कोई भी ITC नहीं मिलेगी, नो ITC, और आपको पूरा पेमेंट खुद से करना पड़ जाएगा। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से भी समझें, तो आपने परचेज किया है 1 लाख रुपए का, इस पर 18,000 रुपये की आपको इनपुट मिला, और आप सेल कर रहे हैं मान लीजिए ये भी 1 लाख रुपए का, और इस पर जो आउटपुट है, आउटपुट टैक्स है, वो भी 18,000 है। सॉरी, यहाँ पर जो नेट टैक्स आपका आएगा वो तो जीरो आएगा, क्योंकि 18,000 माइनस 18,000। अब इन सिचुएशन नंबर 2 क्या होगा, आपके पास सेल तो है, उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है 18,000, मगर आप चूंकि ITC नहीं क्लेम कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये आपका GSTR 1 सप्लायर ने GSTR 1 जो फाइल किया था वो 14th को किया था नेक्स्ट मंथ के, इसलिए वो आपको ITC दिखी नहीं, तो अब आपको वाया चालान पूरा पूरा 18,000 पेमेंट करना पड़ जाएगा। अब ये भारत सरकार आपसे चाहती है करवाना, मेरी समझ से तो ये बिल्कुल भी गलत है, जो कि हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके। और सप्लायर की गलती का खामियाजा परचेजर क्यों भुगते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये 2B मैचिंग वाला, या तो इसको आप क्वार्टरली रखते, भई अगर गलती हो गई है तो चलो उसको हम सुधार लें, या हाफ ईयरली रखते कि भई चलो वो भी हाफ ईयरली हम उसको मिलान करेंगे, या फिर सबसे अच्छा था कि उसको ईयरली आप मिलान कर लेते, और आप नोटिस ना देते मगर एक सजेशन की तरीके से इनकम आपका आपके GST डिपार्टमेंट से एक हमको एक सजेस्टिव नोट आ जाता, नोटिस नहीं आता, एक सजेस्टिव नोट आता कि आपकी ITC कम चल रही है, कृपया करके उसको हम सही करवा लीजिए। एक इस तरीके से एक सजेस्टिव नोट आ जाता व्यापारी के पास, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ नोटिस, जस्ट अ सजेस्टिव नोट, चाहे वो क्वार्टरली होता चाहे वो मंथली होता, क्योंकि सिस्टम को ही जनरेट करना है। मगर आपको मैचिंग तो ईयरली करनी चाहिए थी, या हाफ ईयरली कर लेते आप मैचिंग, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर आप मंथली मैचिंग करा रहे हो, इसका मतलब कि आपने तो एरर को एंटिसिपेट ही नहीं किया। भाई हम सब ह्यूमंस हैं, और टू अर इज ह्यूमन, एक बहुत ही अंग्रेजी की अच्छी कहावत है, टू अर इज ह्यूमन, हम अगर इंसान हैं तो हमसे गलती भी होगी। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी से गलती हो जाए, समय पर GSTR 1 अपना नहीं फाइल कर पाए हम, तो इसका मतलब कि परचेजर जो है अब सारे का सारा खामियाजा खुद भुगतेगा। या फिर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि चलिए उसका हम चालान का अमाउंट, जो जो टैक्स का अमाउंट आ रहा है उस इनवॉइस के ऊपर, उसको हम होल्ड करके चलें। तो इतना आसान थोड़ी है, आप
ये सब तो आप चलो कर लोगे, मगर एंट्री कैसे लेकर के जाओगे भाई? अकाउंटिंग एंट्री भी तो कोई चीज़ है, आप उसको कहाँ से लेकर के जाओगे? तो मेरी समझ से तो ये तो बहुत ही एक ड्रकोनियन लॉ है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चूंकि अब ये हो चुका है, इसलिए अब सरदर्द इतना ज़्यादा है कि आप अगर आप सप्लायर हैं तो आप ज़रा भी GSTR 1 को लेट नहीं कर सकते, शुड नॉट बी लेट। अगर ये लेट हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि आपका परचेजर आपको कई कई बात सुनाएगा और चालान का पैसा भी वो आप ही से मांगेगा। मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री वाइड कोई ना कोई प्रैक्टिस एक ज़रूर निकलेगी इसके ऊपर कि कैसे इसको मीट आउट किया जाए, मगर फिलहाल तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इतना कड़ा कानून देखिए इसलिए होते हैं कि एक डिसिप्लिन बना रहे, ये बात तो हम जायज़ मानते हैं, मगर कानून किसी का गला घोंट दे इसके लिए कानून नहीं बने। कानून की कभी भी ये इच्छा नहीं थी कि किसी को दर्द दे करके, उसको तकलीफ़ दे करके कोई चीज़ फॉलो कराई जाए। अब ये जो बात है ये सारी एक पेनफुल एक्सरसाइज हो गई है, तो दर्द देने वाली बात है कि ज़रा सी भी गलती हो गई। मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, मान लीजिए मैं ही खुद हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और स्टाफ मान लीजिए ठीक है करता है सब कुछ, लेकिन मैं ही फाइनल करता हूँ, तो आखिरकार वो कैसे जाएगा GSTR 1? हम गलत थोड़ी फाइल कर देंगे, क्योंकि गलत फाइल कर देंगे तब भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ड्रकोनियन आप ये नहीं समझ सकते कि हर कोई MNC नहीं होता बड़ा बड़ा जहाँ कर कि जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बैठे हों। हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है सब डीलर्स की, वो कम ही है, छोटे ही वाले डीलर्स हैं। और अगर आप ये समझ लें कि हर कोई इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर पाएगा, तो ऐसा कतई नहीं है। हर कोई TCS इन्फोसिस नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज कर पाए, तो देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल तो मैं ज़रा भी खुश नहीं हूँ इसको देख करके। और तो मेरा सभी को राय है, एक मशवरा मेरा सभी को है कि कोशिश करिए कि भाई अपनी GSTR 1 आप जो सप्लायर के जैसे अगर आप सप्लायर हैं आप फाइल करते हैं तो प्लीज़ उसको GSTR 1 को देख समझ के फाइल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपका सब परचेजर जो है आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। भाई उसको ITC मिलेगी नहीं, वो आप ही से कहेगा पेमेंट के लिए, शायद आपका पेमेंट वो होल्ड करके भी रखे। इंडस्ट्री वाइड एक एक्सरसाइज बन सकती है कि आपका करंट मंथ का जो पेमेंट है, मान लीजिए जो आपका दिसंबर का पेमेंट है, या फिर दिसंबर छोड़ दीजिए क्योंकि दिसंबर से तो ये चीज़ लागू नहीं थी, जनवरी से लागू हुई, तो आपका जो जनवरी का पेमेंट है वो आपको 1 फरवरी को या ये 14 फरवरी को ही रिलीज़ करें। क्यों? क्योंकि जब उनको ITC की वैल्यू दिख जाएगी तभी वो रिलीज़ करेंगे, नहीं तो आपका वो जो टैक्स का अमाउंट है उसको होल्ड करके चलेंगे। क्या होता है क्या नहीं होता ये तो हम नहीं कह सकते, मगर फिलहाल यहाँ तक मेरा डिस्कशन था। और हम जो बात करेंगे अपनी ये वाली स्विगी और जोमेटो का मैकेनिज्म, ये वीडियो शाम तक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पॉइंट आपको ठीक लगा होगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं दोनों ही केसेस में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, हम ऐसे ही इनकम टैक्स और GST के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप तक, अपडेट्स आप तक लेकर के आते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और एक बार फिर से आप सबको नववर्ष बहुत बहुत मुबारक हो।